एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब आपके पास जो आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में कंप्यूटर्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और जो भी आपकी कैलकुलेशंस हो रही हैं, जो भी काम चल रहा है टेक्नोलॉजी पे, अगर आप काम चल रहा है तो वो सीधा सा प्रोबेबिलिटी पे काम चल रहा है, ये आप मान के चलिए। प्रोबेबिलिटी एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, इतना डिटेल्ड आस्पेक्ट है कि आपने 9th में स्टार्ट किया था छोटा सा, फिर बेटा 10th में आप पढ़ रहे हो, फिर आप इसको 11th में पढ़ोगे, फिर उसको आप 12th में पढ़ोगे, और आफ्टर 12th अगर आप टेक्निकली टेक्नोलॉजी में कहीं जाते हैं तो आप उसको यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे, इतना डिटेल्ड है। तो उस डिटेल में मैं भी बता देता हूँ जैसे कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर दोबारा से डिस्कस। किसी और बच्चे को कोई डाउट, ये वाला डाउट हमने पिछली बार भी क्लास में डिस्कस किया था, बट आप फिर करेंगे। सर 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4। गुड, वेरी गुड। चलो वन बाय वन, एक बार पहले छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं, जिससे कुछ बच्चे आए हैं, एक बच्चा नया आया है इसमें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा है प्रोबेबिलिटी में बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बस छोटा सा ही ले लेते हैं थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? यस सर। कुछ तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, कोई भी अगर काम करते हैं, कुछ भी हम करें, एक्स वाई जेड हम कुछ भी करेंगे, कोई भी हम टास्क ले लें, हम उसको, हमने कहा था मैथमेटिकल, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से ही ये अंदाजा लगाना है, ये देखना है, सोचना है कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था क्लास में, हम सिर्फ उसी टास्क की बात कर रहे हैं, उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स डिफाइंड हैं। अगर रिजल्ट्स डिफाइंड नहीं है तो फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करें, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं है वहां पे, छोड़ दीजिए उसे। अगर आपके जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स पता है कि भाई ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, बस चार ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, पांचवा नहीं, और वो चार भी कौन कौन से होंगे पता है, तो जैसे मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज हो रही है, आपके जितने गेम्स हैं, आप चेस खेलते हो कंप्यूटर पे, तो आपने कहा कि मुझे तो ये वाला चलना है, क्वीन को चलना है, किंग को चलना है, तो अब आपको पता है कि क्वीन के कितने उस जगह पे बैठ के, उस पर्टिकुलर उस पे स्क्वायर पे कितने ऑप्शंस हैं, ये आपको पता है। तो ये कंप्यूटर को प्रोग्राम में देना होता है कि देखो ये यहाँ यहाँ चल सकता है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है, कोई भी काम हो रहा है, आपने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, तो सैटेलाइट को लॉन्च किया तो वो क्या हो सकता है, हमें पहले ही पता है ये इस एंगल पे जाएगा, इस एंगल पे जाएगा, इस स्पीड से जाएगा, इस स्पीड से जाएगा, तो टोटल पॉसिबल, अगर आपने टोटल पॉसिबल चीजों को नहीं सोचा तो फिर आप उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं सोच सकते, क्या क्या हो सकता है, क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो सब हर काम से पहले आपको उसके रिजल्ट्स सोचने। तो हमने क्या करना है, कुछ भी हम करेंगे तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ही सोना। अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा उसमें टोटल आउटकम्स ही नहीं आपको पता चल रहा कि 8 होगा या 9 होगा, तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि किसी भी टास्क के कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी टास्क ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट्स वो हमें काउंट करना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब आप इसी को ही क्लियर कर लो, ठीक है, कि ये होता क्या। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ वन कॉइन इज टॉस, वन कॉइन इज टॉस, तो ये आपके पास कॉइन है, आपको पता है कॉइन पे हेड होता है या टेल होता है, आपने एक बार टॉस किया है तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल रिजल्ट्स जो होंगे वो 2 हो सकते हैं। इन नंबर्स हमें चाहिए, टोटल रिजल्ट्स चाहिए, टोटल आउटकम्स चाहिए ऑफ दिस टास्क, ऑफ दिस जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ 2 है।
अब आप कह रहे हो नहीं सर मैं कह रहा हूं वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ये हमने कहा वन कॉइन इज टॉस वंस। अब हम ले रहे हैं कंडीशन नहीं सर वन कॉइन इज टॉस टू टाइम्स, इसको काउंट करने का एक तो तरीका सीख लीजिए कैसे करोगे और फिर कहां से आते हैं इतने सारे रिजल्ट्स ही क्यों होते हैं वो सीख लीजिए। तो इसको काउंट करने का सबसे अच्छा है कि सीक्वेंस में चलिए, ये मेरे पास फर्स्ट कॉइन है और ये मेरे पास सेकंड कॉइन है, तो वन बाय वन तभी आपको टोटल रिजल्ट्स मालूम हो पाएंगे। वन बाय वन का मतलब आपने पहले फर्स्ट कॉइन को देखा कि भाई हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको सीक्वेंस में चलना है। अगर आप सीक्वेंस समझ लेंगे तो आपके पास दो क्वेश्चन तो स्पेशली हैं, एक कॉइन बेस्ड और एक डाइस बेस्ड, फिर एक कार्ड बेस्ड है वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पे। तो सीक्वेंस में आप क्या चलोगे कि भाई अगर मेरे पास फर्स्ट कॉइन है तो फर्स्ट कॉइन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट कॉइन के लिए पॉसिबिलिटी है हेड, मे बी पॉसिबल के पहले वाले कॉइन पे हेड आए और मे बी पॉसिबल के टेल आए। तो फर्स्ट कॉइन पे सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है आइदर हेड और टेल, नथिंग एल्स। सो ओनली टू रिजल्ट्स ऑन द फर्स्ट कॉइन्स वी मे गेट, ये मेरे पास पॉसिबल। अब आपसे कह रहे कि सपोज करो पहले वाले कॉइन पे हेड आ गया, अब आपने दूसरा कॉइन टॉस किया या उसी कॉइन को दोबारा टॉस किया, अब क्या होगा? तो अगर पहले वाले पे हेड आया बेटे तो सेकंड वाले पे पॉसिबिलिटी है हेड ही आ जाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि नहीं टेल आ जाए। हाँ भाई सब बच्चे बताओ, फर्स्ट कॉइन पे हमारे पास हेड आया है लेकिन सेकंड वाले पे मे बी पॉसिबल, फर्स्ट इज मतलब फाइनल, फर्स्ट पे हेड आ चुका है, अब सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड पे आइदर हेड और टेल। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है पहले वाले पे हेड आ जाए और सेकंड वाले पे भी हेड आ जाए, तो वी हैव दिस रिजल्ट हेड हेड बोथ है एंड सेकंड इज हेड टेल। लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास सिर्फ ये हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट वाला हेड आया, अभी हमारे पास फर्स्ट पे टेल ऑप्शन रिमेनिंग है बचा हुआ। अब अगर फर्स्ट पे टेल आया है तो मे बी पॉसिबल कि सेकंड वाले पे हेड आए या टेल आए, तो इसका मतलब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं टेल हेड और टेल टेल। मुझे ये बताओ सब बच्चों को ये रिजल्ट समझ में आ गया या नहीं? तो फॉर टू कॉइन्स वी हैव टोटल फोर रिजल्ट्स। फोर ही क्यों होते हैं इसका कोई फॉर्मूला है क्या, वो मैं भी आपको बताऊं। जी बीते आवाज आ रही है मेरी? एनीवन आवाज आ रही है? वर्चुअल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये डाउट रहता है कि पता नहीं बच्चों के पास आवाज आ रही है। जी बेटे yes, तो ये सब बच्चों को ये क्लियर है या नहीं? अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कहां गड़बड़ हो रही है। फर्स्ट वाले पे टू है, सेकंड वाले पे भी टू है, तो हमारे पास टोटल फोर आए, ठीक है, क्लियर है ये? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्या किसी और के दिमाग में कुछ और ऑप्शन आ रहा है कि नहीं सर ये वाला भी पॉसिबल है? जी लामिया बेटे क्लियर है ये बात? सर इतना ही है, है ना? गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं पहले इसी को डिस्कस करेंगे टोटल रिजल्ट्स क्या होते हैं। अभी आपने कहा थ्री कॉइन्स होते हैं,
तो चलो थ्री पॉइंट्स की बात करते हैं। अगेन वन बाय वन आप करोगे तो आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास है क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चन तो ज्यादा इसमें है ही नहीं कुछ मुश्किल, बट कॉन्सेप्ट समझना। ये मेरे पास फर्स्ट कॉइन है, ये मेरे पास सेकेंड कॉइन है और ये मेरे पास थर्ड कॉइन है। वन बाय वन आप मुझे फर्स्ट कॉइन के लिए ऑप्शंस बताइए कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर फॉर फर्स्ट कॉइन, हाउ मेनी रिजल्ट्स आर पॉसिबल। शादान, शादान कैसे, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द फर्स्ट कॉइन इफ वी टॉस ए कॉइन टू, कौन कौन से बेटे, शाबाश, कौन कौन से, यस वेरी गुड, कोई नहीं घबराइए मत, किसी को नहीं भी समझ में आ रहा पूछिए। डॉक्टर संजय मित्रा भी, डॉक्टर संजय मित्रा भी हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगी, वो बीच बीच में चली जाती हैं घूमने, कभी कभी क्लास में आती हैं कभी नहीं आती। हाँ भाई, तो हमारे पास फर्स्ट कॉइन के लिए या तो हेड होगा या टेल होगा। अब आपके पास फर्स्ट के लिए फिक्स हो गए, ओवर। अब हम आते हैं सेकेंड कॉइन पे, तो सेकेंड कॉइन को आप टॉस करोगे, अगेन रिजल्ट सेकेंड कॉइन पे टू ही हो सकते हैं, हेड या टेल, लेकिन किस किस तरह से आएगा वो देखते हैं। अगर पहले वाले पे हेड आ चुका है तो सेकेंड वाले पे क्या पॉसिबिलिटी है, भाई सेकेंड वाले पे पॉसिबिलिटी है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसे। और जैसे हमने कहा अगर फर्स्ट पे टेल आ चुका है, चलो पहले इससे आगे बढ़ जाते हैं बाद में नीचे जाएंगे। अब हमारे पास सेकंड पे भी हो गया तो सेकंड के टू रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड की। सपोज करो हमारे पास फर्स्ट पे हेड है, सेकंड पे हेड है, अब आप थर्ड पे पहुंचते हैं तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हेड हेड के लिए कितने ऑप्शंस होंगे। हाँ भाई, फर्स्ट हेड सेकंड हेड, now we toss the third coin, so how many results on third possible, third coin ke liye kitne possible hain, so head or tail dono, again two, yes so two, yes obviously, so head and tail two, theek hai। ab aaiye ki agar hamare paas first pe head hai, second pe tail hai, again third coin toss karte hain to results again will be head and tail। अब ये आपका complete हो गया। complete क्या हुआ? अगर आपका first वाला head है, तो उसके लिए बस इतने ही results हो सकते हैं। कौन-कौन से results हो सकते हैं उसके लिए? head, 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 tail, head, tail, head and head, tail and tail, that's it। if we got head on the first coin then only we have these four results, nothing else। is this clear sab bachcho ko? kon kon hai hamare sath? burhan, dr burhan gulzar, ha ji burhan sahab, awaaz aa rahi hai hamari? sir yes sir, samajh mein aa raha hai? ji sir, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन करना भी मत शुरू करा कीजिए आप लोग। आप बेटे कॉन्सेप्ट सीखो माशाल्लाह से। हमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, सर एनसीईआरटी हो जाती है, आरटी शर्मा नहीं होता है, सर आर एस अग्रवाल नहीं होता है, सर एस चांद नहीं होता है, एंड सो एंड सो। मैम जो क्लास में पूछती है वो नहीं हो पाता है, एग्जाम्स में मुझे घबराहट होती है, वो वजह ये होती है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। आप माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो फिर आपको क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा, कोई सा ले आओगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर का मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर की इतनी प्रैक्टिस करिए जैसे आपको अपनी रूम की प्रैक्टिस होती है जहाँ माशाल्लाह आप रहते हैं। अगर लाइट ऑफ कर दें, आपकी आंख पे पट्टी बांध दें, तब भी आपको सारी चीजें पता है कि मेरे रूम में कौन सी चीज कहाँ रखी है। आप बगैर किसी चीज से टकराए, बगैर किसी चीज से चोट लगे, आप कमरे से बाहर जा सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं, चीजें उठा सकते हैं, दैट इज द कॉल्ड प्रैक्टिस। इतना आपको आदत हो जाती है अपने रूम की कि आपको पता है कहाँ, तो बस अपने कॉन्सेप्ट इतने गुज जाओ कि मुझे पता है कहाँ क्या होना। खैर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट अगर हेड है तो दीज आर द फोर रिजल्ट्स। अच्छा, अब हम कह रहे हैं नहीं ये भी पॉसिबल है कि भाई फर्स्ट रिजल्ट ही 10 आ जाता, फिर सपोज वी गेट टेल ऑन द फर्स्ट रिजल्ट
अब आइए सेकंड पे, फिर मैंने आपसे कहा सीक्वेंस वही रखना है, तो अगर फर्स्ट पे टेल है तो सेकंड के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? तो सर सेकंड के लिए वही पॉसिबिलिटी है कि या तो हेड आएगा सर या टेल आएगा। अब थर्ड पे आइए, अगर फर्स्ट पे टेल है सेकंड पे हेड है तो थर्ड के लिए आइदर हेड और टेल, और अगर टेल टेल है तो आइदर हेड और टेल। ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट्स क्या हो गए, फर्स्ट टेल सेकंड हेड थर्ड हेड देन टेल हेड टेल 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 हेड एंड लास्ट टेल टेल टेल। यस ये हमारे पास हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर लामिया? कितने रिजल्ट हैं सर? 8 हो गए। अब आपको कौन सा लग रहा था कि सर 9 होना चाहिए था? सर 8 हो गए। अब 8 हो गए, बट आप कहते थे 9 होते हैं, 9 हो सकते हैं, तो सर वो यस यस कोई नहीं बोलो सर। मैंने मैंने ऐसे नहीं किया था, लेकिन आपने कल एक वो बताया था, नहीं परसों बताया था आपने कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स। इंडिविजुअल रिजल्ट्स मुझे लगा शायद उससे 9 हो जाता। अब आप हमें बताइए ना, क्योंकि 3 पॉइंट्स थे तो जस्ट अब आपने जो कहा उसको अभी दोबारा से हम प्रूव भी करेंगे, हम उसको भी करेंगे। देखो सब बच्चे सुनो, लामिया ने जो कहा माशाल्लाह से, आप बच्चों को ध्यान से सुनोगे करोगे तो इसी तरह से अच्छा लगेगा, तो आप लोग इंटरेस्ट लोगे फिर क्लास में। मैंने आपसे कहा था क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि किसी भी टास्क के टोटल रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो टोटल रिजल्ट्स का ये फॉर्मूला है और इस पे अब आप एक करके दिखाओगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा लेकिन आप सीखोगे आज। क्योंकि टोटल रिजल्ट्स क्या होता है, टोटल रिजल्ट्स होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स। ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, जो भी आप चीजें ले रहे हो, इन्वॉल्व इन द टास्क। सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सर आप समझ जी बेटे, जरा नेट जो है हमारा परेशान कर रहा है, इसलिए हम घूमने चले जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। प्लीज अब आप हमें पढ़ाने देंगे थोड़ी देर, हमें पढ़ाने देंगे, थैंक यू जी बेटे। टोटल रिजल्ट्स क्या होते हैं? टोटल रिजल्ट्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द टास्क। सर आप दोनों की बोलिए ना प्लीज, आप सब डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। जी बेटे अब आप यहाँ ध्यान से सुनो बेटे, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको टास्क क्या है, प्लीज ध्यान से देखिए जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था। टास्क ये है मेरा टास्क, अब मैं आपको एक थोड़ा सा आगे की बात बता, चुप हो जाएंगे। हाँ सर, तो हमारे पास क्या है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी तो आपके पास क्या है बेटा, आपको सबको ये देखना है कि टोटल टास्क क्या है।
व्हाट इज योर टोटल टर्म। अब आप सब लोग सीख लो, एक ये नया 11th क्लास का फॉर्मूला सीख लो, फिर मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, बट आपको इंशाल्लाह लगेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। आपकी टोटल टास्क क्या है? टोटल टास्क ये बॉक्स है और इसमें क्या करना है, 3 कॉइन्स को टॉस करना, 3 कॉइन्स टॉस, ये मुझे करना है। बट इस टास्क में आपके पास सब टास्क हैं। व्हाट इज सब टास्क? कि आपको पहला कॉइन टॉस करना होगा, देन सेकंड कॉइन टॉस करना होगा, देन थर्ड कॉइन टॉस करना होगा। तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, ये आपके सब टास्क हो गए। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट कॉइन के इंडिविजुअल रिजल्ट्स कितने हैं? व्हाट आर द इंडिविजुअल रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट कॉइन? टू। सेकेंड कॉइन के कितने रिजल्ट्स हैं? सेकेंड कॉइन के कितने रिजल्ट्स हैं? टू। थर्ड कॉइन के कितने रिजल्ट्स हैं? थर्ड कॉइन के कितने रिजल्ट्स हैं? टू। अब आपको इनका लेना है प्रोडक्ट, इंडिविजुअल रिजल्ट्स का प्रोडक्ट लामिया, द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स। तो व्हाट इज 2 × 2 × 2? 2 × 2 × 2, व्हाट इज द रिजल्ट? सर 8। तो इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3? जो आप 3 कह रहे थे कि सर 9 मुझे लग रहा था, इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3? सर मैं वो नो इशू, सर मैं वो 3 कॉइंस को जो लगा उसकी प्रोडक्ट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर 3 कॉइंस, नो इशू हियर 3 कॉइंस। तो 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, बट उस 3 का प्रोडक्ट में कोई रिजल्ट नहीं, क्लियर है? और समीर ने पूछा था लास्ट क्लास में 5 कॉइंस आर टॉस, तो 5 कॉइंस का भी बेटे यही आ जाएगा कि भाई अगर 5 कॉइंस हैं तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, फिफ्थ कॉइन, तो फर्स्ट के 2 रिजल्ट, सेकंड के 2 रिजल्ट, थर्ड के 2 रिजल्ट, फोर्थ के 2 रिजल्ट, 5 के 2 रिजल्ट, तो आप समझ लीजिए 2 की पावर 5। एक्चुअली जो 3 है ना, आपको ये ध्यान रखना है इंडिविजुअल रिजल्ट्स की पावर, वो पावर आनी है वहां, तो पावर 3 आनी है, 2 की पावर 3, दैट इज 8। अब मैं आप सब बच्चों को क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको ना आई शर्मा में मिलेगा ना एनसीईआरटी में मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, बट आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? 1 कॉइन इज टॉस, 1 कॉइन इज टॉस, एंड देन ए डाई इज थ्रोन। बताइए व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम? कौन आंसर देगा? व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? कौन बच्चा बता सकता है? वन कॉइन इज टॉस्ड एंड देन इट डाइज। सर 12। व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम? 12, 12, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। और किस बच्चे को क्लियर है ये बात? अभी हम करेंगे कि 12 कौन से, ऐसा कैसे हो गया 12 होंगे? अभी हम ये भी चेक करेंगे कि कौन से 12। यस हाँ भाई, जैद, डॉक्टर जैद। यस सर। कितने रिजल्ट्स बेटे? कॉइन के इंडिविजुअल रिजल्ट्स कितने होते हैं? कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो कॉइन के रिजल्ट्स कितने आएंगे? 2। यस। और डाई को करेंगे तो 2। अकेले डाई को करेंगे तो इंडिविजुअल रिजल्ट्स ऑफ डाई 6। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ देम? 6 सर। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? 12 सर। 12, yes, good. अभी हम ये देखेंगे what 12, which results are, कौन से वाले 12 हैं, क्या results हैं? अगर कभी question पूछ ले इन 12 पे तो क्या होगा? उमेर साहब, उमेर साहब,
उमर समझ में आ रहा है? संगे मित्रा जी समझ में आ रहा है? बेटे ऐसे रीजॉइन करिए, नेट की प्रॉब्लम होंगे, एक बार रीजॉइन कर लीजिए अगर किसी को आवाज की प्रॉब्लम है। जी संगे मित्रा, तो सर अगर हम जी बेटे नहीं सर मैं जैना हूँ। ओ जी जैना बोलिए बेटे। तो मुझे ये पूछना था अगर हम डाइस का केस लें एंड सपोज अगर हम डाइस को टू करें तो कितने आउटकम्स होंगे टोटल? 36 यस, 6 × 6 इंडिविजुअल प्रोडक्ट बेटे, ठीक है? आप वन डाई को थ्रो करते हैं तो देयर विल बी 6 डिफरेंट रिजल्ट्स। तो 3 में भी वही रहेंगे ना? 3 अगर 36 इनटू 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। आपको लेना है द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स। तो अगर आपके पास वन डाई है तो 6, टू डाई है तो इनटू 6, 3 डाई है तो इनटू 6, ठीक है? थैंक यू। अब आप यहाँ देखें, what type of results are there when one coin is tossed? Yes, sir. ठीक है? And one die is thrown. तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए और सीखिए, अगर coin आप toss करेंगे, तो there will be results head or tail. But if first we get head and we throw a die, we have 6 different results, either 1 or 2 or 3. हाँ सर, अगर हमारा कॉइन टॉस किया और फिर डाई थ्रो किया तो आपके पास आएगा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6, तो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आपके पास आएंगे, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सेम अगर आपके पास फर्स्ट टेल है, आपने डाई थ्रो किया है, तो रिजल्ट्स फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो रिजल्ट्स होंगे टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो दीज आर आवर 12 डिफरेंट रिजल्ट्स इफ वन कॉइन एंड वन डाई। सर क्लियर है ये चीज? अबे बच्चों, ये कुछ बात क्लियर हुई? यस सर। कुछ अब सीखो जरा, अब सीखो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है बेटे कि सबसे पहले आपने कोई टास्क लिया और आपने उसको किया, तो टोटल रिजल्ट्स कितने हो गए? अब हम वो टास्क कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द मतलब, क्या वजह है, रीजन क्या है? तो सपोज करो वन डाई थ्रो कर रहे थे तो हमें इवन नंबर चाहिए, गेटिंग एन इवन नंबर। तो गेटिंग ए डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड एन इवेंट, इसको हम कहते हैं इवेंट। इट शुड बी हैपन इन दिस टास्क। अब क्या कह रहा है, अगर आपको एक इवन नंबर चाहिए तो फॉर दिस रिजल्ट, फॉर दिस इवेंट, हाउ मेनी रिजल्ट्स आर फेवरेबल? तो हमें यहाँ काउंट, एक तो टास्क कर रहे हैं तो टोटल रिजल्ट्स क्या है और जो हमें चाहिए उसके फेवर में कौन कौन है वो हमें काउंट करना है, तो इसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम फॉर एन इवन नंबर इन ए थ्रो ऑफ ए डाई, तो आपको पता है यहां पे इवन नंबर्स कौन है, आधा 2 और 4 और 6, सो 3 रिजल्ट्स आर इन अवर फेवर। तो बस यही एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज favorable outcome upon total possible outcome, that is 3/6, that is 1/2.
सब बच्चे मुझे बताएं कि ये वाली चीज समझ में आई है या नहीं आई, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करें। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें सर, इस चीज के लिए। अगर हम ये कह रहे हैं बेटे, रिपीट कर दें सर एक बार, ये सर को गेटिंग एन इवन नंबर सर। ठीक है, वन डाई इज थ्रोन, वन डाई इज थ्रोन, आपने एक जो डाई होता है उसको थ्रो किया, तो अगर आप डाई को थ्रो करेंगे तो आपके टोटल आउटकम्स आएंगे 6। ये तो आप पता है आप सब बच्चों को, टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे 6, आइदर 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, तो टोटल आउटकम विल बी 6। बट क्वेश्चन क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इन 6 में से, आउट ऑफ दीज 6 हाउ मेनी नंबर्स आर इवन? देखो हम ज्यादा पबजी सर, 3 सर, 3 नंबर्स। तो हमारे पास 3 नंबर हैं, दैट इज 2, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस इतना सा फॉर्मूला। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम थे 3 इवन नंबर्स और टोटल नंबर्स थे 6, तो 3/6 is 1/2। ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल, आप सही है? ठीक है, आप देखो जो हमें सीखना है। अब हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, वैसे तो जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं वो है ही, लेकिन आज ये क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक तो कॉइंस बेस्ड, एक कार्ड बेस्ड और एक हमारे पास डाइस बेस। तो हम पहले कॉइंस वाले क्वेश्चन करते हैं, आप सब जरा ध्यान से करिएगा क्योंकि हमने उसका रिजल्ट भी देख लिया है, तो इनको अच्छे से कर भी लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, फेवरेबल एंड टोटल, डिवाइड कर दीजिए प्रोबेबिलिटी अलग। आपसे क्या कह रहा है, वन कॉइन इज टॉस वंस, What is the probability of getting, please ध्यान से देखते जाइए, getting head or tail। देखो एक ही चीज पे कितनी सारी languages form की जा सकती हैं। Getting head and tail, getting no head, getting no tail, ये बस इतने सारे क्वेश्चंस आपके एक ही छोटे से पार्ट पे बन सकते हैं। अब आप यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन का सब सारा क्वेश्चन में एक ही चीज है कि भाई इसमें टोटल रिजल्ट तो एक ही बार निकालना है, तो अगर आपने वन कॉइन को टॉस किया है वन टाइम, तो व्हाट इज द टोटल रिजल्ट्स, टोटल आउटकम क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा? वन कॉइन इज टॉस वंस, सो टू, तो आपके पास 2 है। अब इसी से आगे बढ़ेंगे तो आपके कॉइन्स के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, तो जरा ध्यान से रखिएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, टोटल आउटकम्स आपने कहा हेड एंड टेल, और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड की, तो हेड के फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, हाउ मेनी फेवरेबल रिजल्ट्स फॉर हेड? बताइए। सो वन, ना सोचना पड़ रहा है, अल्लाह रहम करे, वन ही है बेटे, इसमें कुछ करना थोड़ा ही है। तो हेड के फेवर में 1 है, टोटल 2 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और टेल के फेवर में कितने होंगे, टेल भी बनी है, तो 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, हेड और टेल, यहाँ पे और वर्ड यूज हो रहा है, 0,
और सर सेम 1/2 सो हेड और टेल सर 2/2 बेटा हेड आ जाए तो भी फेवरेबल उसमें दोनों में एक कोई भी एक चीज आ सकती है चीज तो एक ही आ सकती है बट फेवर में कौन है मेरे हु इज माय फेवर हेड हेड इज इन माय फेवर और टेल इज इन माय फेवर और बोथ आर इन माय फेवर सर तो फिर 1 होगा क्या होगा फेवरेबल 1 होगा बोथ हां 1 होगा 1 प्रोबेबिलिटी 1 होगी बेटे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हम ये पूछ रहे हैं सर बोथ होंगे सर 2 होंगे ना बेटे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा और एंड आप सपोज करो पापा गलती से घर में भैया गलती से आपको मैकडोनल्ड ले गए कहाँ ले गए हाँ भाई कहाँ ले गए आपको घुमाने मैकडोनल्ड ठीक है और वहां पे आपसे पूछ लिया क्या खाओगे आपने कहा आइसक्रीम ठीक है और चॉकलेट तो अगर आपके लिए आइसक्रीम आई तो क्या आप खुश हो जाएंगे या नहीं हेलो हो जाएंगे आपकी चॉइस है ना आपने कहा आइसक्रीम और चॉकलेट कभी आता है क्या पियेंगे कॉफी या चाय कुछ भी कॉफी आ गई तो खुश चाय आ गई तो खुश बहुत आर इन माई फेवर आपने कभी चाय नहीं पीता और वो चाय ले आए तो आप खुश होंगे नहीं ना तो चॉइस क्या है और का मतलब बेटे बहुत आर माई चॉइस हेड आई एम खुश हैप्पी यस यही चाह रहा था मैं टेल अरे मैं तो टेल ही तो चाह रहा था सोच तो इट मीन्स बहुत आर इन माई फेवर और आ रहा है और दूसरी बात यह है कि आपका एक ही रिजल्ट आएगा एक बार में बट मैं दोनों से खुश हूं So it means 2 are in my favor. So 2/2 is the probability. That is 1. It is actually sure event. जब आप coin toss कर रहे हो, भाई आना ही यही है सर. इसके अलावा कोई और चीज थोड़ा आएगी. तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है. Either head or tail. तो it is a sure event. And the sure event की probability हम discuss कर चुके हैं 1 होती है. अब यहाँ दूसरा केस आता है head and tail. And term आ रहा है. आप गए बाहर घूमने के लिए और आपने कहा मुझे चाहिए आइसक्रीम एंड चॉकलेट आई नीड अब अगर आपके लिए आइसक्रीम आएगी तो आपका मजा नहीं आया आप नाराज हो जाएंगे नहीं और अगर चॉकलेट आएगी तो भी नहीं और दोनों आएंगे तब आप कहोगे हाँ मुझे ये दोनों चाहिए बोथ रिजल्ट टुगेदर क्यों सर समझ में आ रहा है एंड और में डिफरेंस हाँ जी yes, sir. भाई बचपन में याद हो कुछ अगर कभी बाहर गए और नहीं मिला तो वहीं लेट गए ये अगर आपको सिर्फ चॉकलेट मिली तो चॉकलेट ये रही फ्रश पे और हम भी फ्रश पे हम भी वहीं लेट गए ये है ना ऐसा जब तक पूरी नहीं मनवा ली तो यहाँ पे बेटे आपको दोनों रिजल्ट एक साथ चाहिए बट क्योंकि 1 कॉइन इज टॉस वंस सो इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द बोथ रिजल्ट टुगेदर तो फेवर में नहीं है कुछ भी हेड आया नहीं मुझे तो नहीं टेल भी साथ चाहिए था टेल आया नहीं मुझे तो नहीं मुझे तो हेड भी साथ चाहिए था तो इन दिस केस नो रिजल्ट इज इन आवर फेवर सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट 0/2 प्रोबेबिलिटी इज 0 सबको क्लियर है सर सबको क्लियर है अब नो हेड यस सर नो हेड मतलब टेल No head, nothing. Big head, नीचे ये थोड़ी सी tail चाहिए, तो 1/2 and no tail, so head again 1/2. ये सब बच्चों को क्लियर है या नहीं या इसमें से किसी में कोई डाउट है फिर हम आगे बढ़े सर बताएं देखो मुझे एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में आप होंगे तो मुझे एक्सप्रेशन से पता होता है मेरा बच्चा कितना सीख रहा है ठीक है सर तो अब तो सिर्फ यही है कि आपकी अपनी उस पे यकीन पे जैसे ट्रस्ट पे या आपकी अपनी जैसे सेल्फ उस पे कहना चाहिए मैं यकीन कर सकता हूँ कि हाँ भाई बच्चा वशाला कह रहा है तो ठीक है समझ में आ रहा होगा और ये अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और आसानी भी आपकी अब आप बिल्कुल फ्रीली बैठ के भाई सर मार तो सकते नहीं सर डांटेंगे तो हम स्विच बंद करके निकल लेंगे अगर सर डांटेंगे भी तो हम तो बंद कर देंगे तो अब तो आपकी फेवर में है तो अब तो कोशिश करिए कि आप फ्रीली अगर हेजिटेशन भी उसे भी रिमूव करके माशाल्लाह पूछने की कोशिश करें और मैं बार बार कह रहा हूँ ग्रुप में भी नहीं पूछ सकते इंडिविजुअल बाद में क्लास सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया था ये वाली बात आपकी ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई टाइम है माशाल्लाह आपके पास सीखो कुछ
तो दो चार चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इस लॉकडाउन में अच्छे से सीख लिए तो काम आएंगे। भाई यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। गुड, अब देखो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसी से आगे बढ़े। आपसे क्या कह रहे हैं कि वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। हम साथ साथ लैंग्वेज भी चेंज कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में कितनी चीजें बन सकती हैं, तो वो भी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं सर हमारे पास क्वेश्चन है वन कॉइन इज ट्वाइस इज टॉस ट्वाइस, या आप ये कह रहे हो और टू कॉइन्स टॉस वंस, दोनों चीजें एक ही हैं। आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है सर, गेटिंग। अब यहां देखिए कितनी टर्म्स बन सकती हैं, वन हेड वन टेल, नो हेड टू हेड डबलेट अल्टरनेट रिजल्ट्स, एग्जैक्टली वन एट लीस्ट वन, एग्जैक्टली वन हेड एट लीस्ट वन हेड एट लीस्ट टू हेड एट मोस्ट वन हेड एट मोस्ट टू हेड। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द सिंगल वन क्वेश्चन। आपसे कह रहा है वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस और टू कॉइन टॉस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड वन टेल नो हेड टू हेड डबलेट अल्टरनेट रिजल्ट्स एग्जैक्टली वन हेड एट लीस्ट वन हेड एट मोस्ट वन हेड लाइक दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन। तो अब आप मुझे बताओ अगर वन जी सर क्वेश्चन क्लियर है? हेलो यस सर। अब आप पहले तो ये करोगे कि भाई टू वन कॉइन को टू टाइम टॉस किया है, टू कॉइन को वन टाइम किया है, तो आपके पास टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? तो आपके पास आएंगे टोटल आउटकम। तीन ही लाइन लिखनी होती है किसी भी क्वेश्चन के लिए, टोटल आउटकम्स। तो आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर लो, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। तो दीज आर आवर फोर रिजल्ट्स। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था वन हेड, तो वन हेड हमारे पास क्या होगा? मैं इस क्वेश्चन इसको थोड़ा सा रिजल्ट्स को ऐसे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास है टू हेड head tail tail head and tail tail। तो या तो आपके पास टू हेड है या आपके पास वन हेड है या आपके पास नो हेड है जीरो हेड। अगर हेड की टर्म में हम बात करें तो वन हेड के फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं? हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर इन द फेवर ऑफ वन हेड? पहला हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, फर्स्ट टेल हो दूसरा हेड हो, बट वन हेड है। तो देयर आर टू रिजल्ट्स इन दिस फेवर, टू बाय फोर। सेम वन टेल के लिए भी यही रिजल्ट्स होंगे, टू बाय फोर। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि नो हेड, तो नो हेड के फेवर में कौन है? मुझे हेड नहीं चाहिए सर, वन।
Which one? Tails. Which result? Both tails. Yes. So we have one result. Last. Last one. Yes. 1/4. Two head ke favor mein 1/4. Doublet means both the results are same. Either we get head head or we get tail tail. This it is called doublet. हम डाइस की जब बात करेंगे तब भी अगर 1 1 2 2 जब भी रिपीटेशन होगा दैट इज डबलेट तो वी हैव टू रिजल्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट रिजल्ट्स? सो या तो हेड या टेल. यस, वन इफ फर्स्ट रिजल्ट इज हेड तो नेक्स्ट मस्ट बी टेल एंड इफ फर्स्ट इज टेल तो नेक्स्ट मस्ट बी हेड. वी नीड अल्टरनेट रिजल्ट्स. तो अगेन हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर फॉर अल्टरनेट? भाई हेड टेल टेल है, टू रिजल्ट्स आर देयर. अब यहां कहानी होती है टू सर. अब यहां कहानी होती है वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड. ये क्या मतलब है? तो एग्जैक्टली वन हेड और वन हेड ये तो दोनों चीज एक ही है. तो एग्जैक्टली वन हेड भी 1/4 ही होगा. बट हम बात कर रहे हैं एट लीस्ट वन हेड की. कम से कम मुझे वन हेड चाहिए. तो आप कब खुश होंगे ये आपको सोचना है. व्हाट इज योर फेवरेबल? अब क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है. बेटे क्वेश्चन है या तो आपको मिलेगा जीरो हेड या आपको मिलेगा वन हेड या आपको मिलेगा टू हेड. और मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए कम से कम वन हेड पे मैं खुश होऊंगा. तो अगर आप वन हेड की बात कर रहे हो और आपको दे दिया जाए जीरो हेड तो क्या जीरो हेड आपके फेवर में है? नो सर. नो. तो इसका मतलब ये मेरे फेवर में नहीं है. और अगर आपको दिया जाए वन हेड यानी कि हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए तो क्या ये फेवर में है? आपने कहा ना एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड तो ये फेवर है. अगर आपको टू हेड दे दिया जाए, हेड हेड दोनों दे दिए जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? कि मैंने तो मांगा था यही कि भाई कम से कम एक दो मुझे. Yes, sir. तो इसका मतलब टोटल रिजल्ट्स कितने हुए आपके फेवर में? Three. Yes. तो at least one head का मतलब है 3/4. दोबारा से समझिए सब बच्चे. एक्चुअली क्या होता है जब आप लीस्ट कहते हो तो लिमिट लगती है नीचे और आप जा सकते हैं ऊपर जितने भी ऑप्शन हो. तो ऑप्शन तो यहाँ टू हेड तक ही हैं. तो वन से लेके टू तक सब काउंट होंगे. ठीक है सर. जैसे कभी कभी एग्जाम्पल्स लिया करो अपनी लाइफ में. कभी कभी हम मम्मी पूछती हैं, घर में पूछते हैं भाई कितनी रोटी खाओगे. खाना बनता है भाई तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है किससे से. कम से कम दो तो बना ही लीजिए. मीन्स व्हाट? कि भाई दो अगर आपने एक रोटी दी तो मजा नहीं आएगा, भूखा रह जाऊंगा. तो कम से कम दो और कुछ अच्छा सा लगा तो तीन भी हो सकते हैं. तो मिनिमम टू. अब आप मुझसे कहने लोगों सपोज करो कि सर कितनी देर क्लास लेंगे. भाई मिनिमम वन आवर तो लेंगे सर अगर चीजें सही रही. अब बात आजकल ऑनलाइन की बात हो रही है. मिनिमम वन मे बी वन से ज्यादा. तो लीस्ट का मतलब ये है कि लिमिट नीचे है, ऊपर जाना है. तो हमारे पास वन है और टू है तो हम सबको काउंट करेंगे. अब बताओ मुझे एटलीस्ट टू हेड के फेवर में कौन होगा? एटलीस्ट टू हेड. व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट? जी बताओ. अभी हमने क्या कहा है? अभी हमने क्या कहा है कि आप कब खुश होंगे? आप कह रहे हो कि दो हेड कम से कम दो चाहिए. तो जब कम से कम दो चाहिए तो आपने जो लिमिट लगाई है वो टू पे लगा दी और आपको टू से बेटे ऊपर जाना है. तो टू के ऊपर तो कुछ है ही नहीं. तो इसका मतलब मेरे पास एक ही रिजल्ट. बेटे आप चाह रहे हो भाई मुझे कम से कम दो चाहिए और आपको कोई लाके एक दे दे तो आपको कहोगे यार मुझे चाहिए कम से कम दो थे, तुम मुझे एक लाके दे रहे हो, मेरा काम नहीं चलेगा. अब वो कहने लगे जीरो ले लो के बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई. तो मेरा तो काम ही चलेगा जब मुझे दो मिलेंगे या तीन मिल जाए, चार मिल जाए. मैंने कम से कम दो मांगे बट या तीन और चार है नहीं. मैंने कहा ना ऑप्शन जितने अवेलेबल हों
तो टू से ऊपर ऑप्शन ही नहीं है, टू मुझे कम से कम चाहिए, तो ओनली वन रिजल्ट इज इन माई फेवर, तो दैट इज 1/4. बाकी सब जो सो रहे हैं, हाँ भाई बाकी हमारी टीम सो रही है जाग रही है? हम तो ऑफलाइन क्लास में सो जाते हैं माशाल्लाह, तो यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा कौन जाग रहा है कौन सो रहा है. जी कुछ समझ में आ रहा है? आधे से ज्यादा गायब हो जाते हैं 40 मिनट्स के बाद. अब ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन गायब हो गए, ये सारी चीजें भी करनी पड़ेगी. यस सर, क्या देखना पड़ेगा ये सिस्टम. तो ये हमारे पास होगा 1/4. अब आता है एट मोस्ट 1 head. मोस्ट आप कह रहे हो ज्यादा, आपसे पूछा कितना खाना खाओगे, बस ज्यादा से ज्यादा एक रोटी, भूख नहीं है. अब अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो आप एक रोटी खाएंगे, और अगर वो भी नहीं, आप पढ़ रहे हैं सो रहे हैं नहीं भूख लगी, मैं तो पहले आपसे मना किया था मैं नहीं खाऊंगा मुझे भूख नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि आप 1 से नीचे आ जाओ. तो मोस्ट का मतलब होता है बेटे कि लिमिट जो है वो आपने ऊपर लगाई है, आपने लिमिट लगाई है ऊपर. यहां पे 1 पे अब आप जा सकते हो नीचे, जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. तो सारी सी बात है 1 वाला काउंट होगा, 0 वाला काउंट होगा. तो एट मोस्ट 1 हेड के लिए कितने रिजल्ट्स हैं भाई? 3 अगेन. यस 1 and 0, तो 1 वाले 2 हैं, 0 वाला 1 है, तो 3/4. गुड. अब बताओ एट मोस्ट 2 हेड क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2. मैं 2 से ज्यादा नहीं ले सकता, 2 से ज्यादा नहीं खा सकता, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता. आप कहाँ लगाओगे? आप ऊपर लगाओगे और नीचे आप सारे काउंट करोगे. आपने 2 पे लगा दिया, 2 से नीचे जा, तो 2 वाले भी, 1 वाले भी, 0 वाले भी, तो ऑल आर इन अवर फेवर. 4/4 is our probability, that is 1. ठीक है? अब मुझे जो बच्चा मुझे बताएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे अभी, ठीक है? इंशाल्लाह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा. आपसे कह रहा है 1 coin is tossed thrice. What is the probability of getting at least 2 head? बताओ कौन बताए. 1 coin is tossed thrice, what is the probability of getting at least 2 head? ये जो 2 coins वाले हमने सारे questions करे हैं, ये आप सब बच्चे 3 coins के लिए करके देखना. मैंने sheet भेजी है, उस sheet को solve कर लीजिए, उसमें doubts पूछ लीजिए. तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जल्दी से. 1/4. सो 4/8. 4/8. भाई वाह भाई वाह भाई वाह, वेरी गुड. 1/4 कैसे और 4/8 कैसे? शाबाश, दो बच्चों ने बताया. 1 कॉइन इज टॉस थ्राइस, तो टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे? 4/8 होगा. अच्छा बेटे, ना भाई करें करें कैसे होगा? 8 होंगे. तो कौन कौन से रिजल्ट्स होंगे 8 में, अब आप ये बताओ. हमने अभी चेक किया था ऊपर, है ना, लिखा भी था सर, तीनों हेड, ऑल 3. यस, देन अब आप ऐसा किया करो, हेड हेड टेल, तीनों टेल, लास्ट वाला चेंज होता है, ठीक है? सीक्वेंस में करना बेटे, पहले फर्स्ट हेड सेकंड हेड, तो लास्ट वाला ऑप्शन चेंज करो, यानी कि हेड और टेल, तो 2 रिजल्ट्स ही हो गए. अब बीच वाला चेंज करो, तो हेड के आउटकम्स, हेड टेल हेड है बेटे, हर बार ऐसे आउटकम्स लिख लिख कर करना पड़ेगा, मतलब कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है.
डायरेक्ट्रिक्स तो पता है ये सीक्वेंस ही आता है क्योंकि आपको जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं समझ में आ रहे होंगे तो फेवरेबल आउटकम्स नहीं निकाल पाओगे। हमें डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्रिक में ये होता है बेटे कि आप लास्ट वाले को चेंज करना शुरू करो। दोबारा से देख लो, आप सब बच्चे समझना चाह रहे हो। देखो होगा क्या भाई, पहले वाले पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, तीसरे वाले पे हेड आ सकता है। तो ये पहला रिजल्ट आप मान लो, ये तो लिख सकते हो ना, हेड हेड हेड। यस सर। ठीक है, अब आप लास्ट वाले को चेंज करो कि भाई लास्ट वाले पे हेड आ गया, लेकिन हो सकता था लास्ट वाले पे क्या आता ना भाई, टेल सर। तो फिर क्या होता है ये रिजल्ट हो जाता बेटे हेड हेड टेल। अब लास्ट वाले के लिए दोनों ऑप्शन हो चुके हैं, लास्ट वाले पे हेड भी आ चुका टेल भी आ चुका, तो आप बीच वाले को चेंज करो। अभी बीच वाले पे हेड लिखा हुआ है तो बीच वाले पे कर दीजिए टेल। अब अगर बीच वाले पे टेल किया तो अभी टेल के लिए दोनों रिजल्ट्स आएंगे, तो टेल के साथ कौन आएगा, या तो हेड आएगा, एक बार हेड आएगा एक बार टेल। यस, तो ये आपके 4 रिजल्ट्स हो गए, यानी कि आप लास्ट वाले को भी चेंज कर चुके और मिडिल वाले को भी चेंज कर चुके। तो अब आपको किसको चेंज करना है, फर्स्ट वाले। तो यही सारे रिजल्ट आप फर्स्ट के लिए लिख दो, इस तरह से आप सीक्वेंस से याद रख पाओगे। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास पहला वाला टेल हो जाएगा, तो सेकंड वाला भी हेड हो जाएगा, थर्ड वाला भी हेड हो जाएगा। अगेन लास्ट से शुरू करो, लास्ट वाला टेल हो सकता है तो लास्ट वाला हेड टेल हो गया। अब फिर बीच वाले को चेंज कर दो तो टेल हो सकता है, टेल हो सकता है तो फिर हेड आ सकता है, और फिर टेल 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 आ सकता है। तो इस तरह से आपको सोचना है, 3-4 बार क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप आदत हो जाती है। अब हमारे पास क्या है, हमने कहा था एटलीस्ट है ना भाई, एटलीस्ट 2 हेड। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है सर, तो अगर मैं इसको सिक्वेंस पे मैं अपने हिसाब से लिखूं तो मेरे पास क्या है, 3 हेड्स हैं। ये चलो इसी में लिख लो ना, कितनी बार सीक्वेंस बनाएंगे, यहीं पे अब आप काउंट करो कि आपके पास हो क्या रहा है। आपके पास हो रहा है 3 हेड्स, तो 3 हेड वाला 1 है। 2 हेड वाले कितने हैं भाई, ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, और ये 2 हेड है, तो 2 हेड वाले 3 हैं। 1 हेड वाले कितने हैं भाई, ये 1 हेड है, ये 1 हेड है, और ये 1 है, ये भी 3 है, और 9 हेड वाला 1 है। सो 3 हेड और 2 हेड और 1 हेड और 9 हेड। आपने कहा कम से कम 1 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, एटलीस्ट 2। अब बताओ फेवर में कितने होंगे, जी जैना बेटे, 3। जैना बताइए बेटे, एटलीस्ट 4 होगा, कौन कौन से होंगे बेटे, तो एटलीस्ट 2 में कौन कौन से काउंट से ज्यादा, तो वेरी नाइस। एटलीस्ट अगेन एटलीस्ट मींस लिमिट इज ऑन द बॉटम। ठीक है, 2 पे लिमिट है, आप क्या जा सकते हो, अपवर्ड आप जा सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन 3 तक ही है, तो वी हैव 4। गुड, तो 4/4 4/8 प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बताओ भाई सब बच्चों को ये क्लियर है या नहीं है। अगेन आप सब बच्चे बेटे 3 कॉइंस पे क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ट्रिपलेट, यहाँ पे टर्म आएगा ट्रिपलेट, अल्टरनेट, ये आपको करना है। तो आज कॉइंस पे हो गया, 3 से ज्यादा भी आ सकता है, नहीं बेटे से ज्यादा नहीं होता, क्या 3 तक ही पॉसिबल है एक्चुअली। फिर और रिजल्ट तो पता चल गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो हो नहीं रहा था मुझसे। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बताइए कौन सा है सर, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24 था। क्या क्वेश्चन है,
सर 24 था, एक सेकंड से मैं चेक कर रही हूं। यस सर 23 था वो। हम दोनों ना एक दूसरे के मिलके जो लोड लेगा वो नहीं लेंगे, हम दोनों एक आप लोगे एक मैं लूंगा, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है ठीक है, एक आप लोगे भी देखते हैं। ठीक है, ये तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। हम इसको आप इसको देख देखो आपको क्वेश्चन विजिबल है सब बच्चों को? जी क्वेश्चन विजिबल है? हेलो सर 23 था वो, 23 था, ठीक है 23 देख लेंगे। ये तो सिंपल है ना, बेटे कॉइन पे बेस्ड है। He wins, all the results are same. Yeah. All the results का मतलब ये बेटे triplet. बताओ सब बच्चे बेटे इसका आंसर दो सबके सब। सारे बच्चे दे सकते हैं इसका आंसर। देखो क्वेश्चन विजिबल हुआ बच्चों को? 5/6 अपॉन सिक्स क्यों कर दिया, फिर गड़बड़ कर देते हो, एकदम से वही पहुंच जाते हो। सिक्स और एट पे तो लड़ाई हो रही है, सिक्स एट नाइन पे। जी बेटे, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 times। तो जैसे ही आपने 3 times कहा, टोटल रिजल्ट्स 8 हो गए। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स। तो आपके पास 3 points में सेम रिजल्ट्स कब कब होता है? जी बेटे 3/4 अरे सुन लो पहले, तो मैं कह रहा हूँ बताया। आपके पास क्या होगा, टोटल रिजल्ट्स जो आपके पास होंगे वो 8 होंगे। 5/6 तो पता नहीं आप क्यों कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अगर आप सेम रिजल्ट्स की बात कर रहे हो तो सेम रिजल्ट तो आप तब कहोगे ना कि भाई तीनों हेड आ जाएं या फिर तीनों टेल आ जाएं। सो ऑल द रिजल्ट्स आर सेम तो तब वो विन करेगा। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, उसने मेंशन भी किया 3 heads और 3 tails एंड लॉसेस अदरवाइज। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट दैट हनी विल लूज द गेम। तो आज आपके लिए यही है, जितने क्वेश्चन आप कार्ड
कार्ड्स और डाइस को छोड़ के अगर कर सकते हैं तो वो भी कर लेंगे, अदरवाइज कार्ड और डाइस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए अपने चैप्टर से। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, इस चैप्टर में से या किसी और चैप्टर में से जो आपके स्कूल में चल रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते। आज है माशाल्लाह, कल परसों दो दिन वैसे तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो अगर मैं क्लास में नहीं हूँ, अदरवाइज लेकिन सैटरडे संडे। आप लोग स्कूल कब तक कंटिन्यू हो रहे हैं? कुछ स्कूल में तो आज लास्ट हो गई क्लास, 30 ठीक है, तो इतना मतलब शोर मत डालिए अपने ऊपर, 30 तो लगते ही है भाई, ऐसे कहा बच्चे ने कि बस उतना दिन पढ़ा रहे हैं ये कर रहे हैं, पढ़ लो माशाल्लाह से ये काम आएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है भाई, नमाज पढ़िए, दुआ मांगिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक डाउट था। जी बोलिए। यस सर, बोलो। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोलो। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोल दो ना नरेश सिंह। एक मिनट रुको डॉक्टर समीर, 15.2 क्वेश्चन नंबर 4। जो कह रहा है वो लिख दो तो आंसर आ जाएगा। तुमने अगर आइंदा गलती करी ना तो तुम्हारी ठुकाई हो जाएगी बढ़िया वाली। देखो ये वाला क्वेश्चन है। यस सर। है जी? यस सर। चलो आपसे क्या कह, तीन ही लाइन लिखनी होती है, टोटल क्या है, फेवरेबल क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। आपसे कह रहा है बॉय बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच आर एक्स, विच एक्स आर ब्लैक, ठीक है सर? तो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है यहाँ पे बॉल? 12 है। चलो जी, ब्लैक कितनी है? एक। आपसे कह रहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक्स अपॉन 12। बहुत बढ़िया जी, एक्स अपॉन 12, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। आपसे कह रहा है 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 more black balls added. तो अब total total balls कितनी हो गई भाई? 18. Total black कितनी हो गई? X plus 6. तुम्हें सारा आता है फिर तुमने किया क्यों नहीं? तुम बेवकूफ क्यों होते बड़े वाले? अब बताओ, the probability of trying a black ball is now double of what it was before. वो तो बाद में देखेंगे double, तो अब बताओ probability black की कितनी होगी? X plus 6 upon 18. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाद वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी की कितनी है? डबल। तो फिर इसमें करना क्या था डॉक्टर साहब? 2 से इसे काटिए 6, 6 से इसे काटिए 3, तो ये हो जाएगा X plus 6 is equals to 3X. तो 6 is equals to 2X. तो x is equals to 3, तो करना क्या था? जी समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो फिर इसमें करना क्या था भाई? डरा मत करो, डरेंगे तो गड़बड़ होगी, जब माशाल्लाह समझेंगे तो हो जाए। संगे मित्रा जी कुछ बोल भी लिया करो, कहाँ है संगे मित्रा? हेलो संगे मित्रा की मम्मी को फोन मिलाओ, कहाँ है मेरा फोन दिखाओ। संगे मित्रा की मम्मी का नंबर क्या है? जी है जी, अपना करो,
चलो सर ऑल द वेरी बेस्ट. अब बात करेंगे आज आपके सारे सब बच्चों के पेरेंट्स से, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? जब बच्चे तो बोले नहीं मम्मा मत बताना, मम्मा मत बताना.